नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं नीति शाह और आप देख रहे हैं 6S न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। बिहार में चक्का जाम, सरकार से वार्ता फेल होने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन। बिहार में 15 जनवरी से ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की मांग पर ट्रकों का चक्का जाम हो गया है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल, सुबह सवेरे वकील को गोलियों से भूना। बिहार में मुखिया नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ ही और ही बयां करती है। सरकार के क्राइम कंट्रोल करने वाले दावे को अपराधी ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने में अपराधी कतई नहीं चूकते। अब ट्रांसजेंडर भी बिहार में बनेंगे दरोगा और सब इंस्पेक्टर सीधे होगी बहाली। बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडर भी दरोगा और सब इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकी सीधी नियुक्ति होगी। बहाली में उम्र में छूट भी मिलने वाली है। गृह विभाग ने संकल्प नोटिस जारी कर दिया है। बिहार में आज से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। बिहार में कोरोना का टीका लगने का काम आज से शुरू हो गया है। पटना के IGIMS में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इसकी देश में शुरुआत की है। बिहार में मिले कोरोना के 239 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,85,028। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 239 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,85,028 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,220 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। बिहार में कम समय में MBA का एक छात्र करोड़पति बनने के लिए बेचने लगा शराब। उसके पास से 21 लाख का किया गया बरामद शराब। लाखों रुपए खर्च कर एक युवक MBA किया, लेकिन वह जल्द ही करोड़पति बनना चाहता था। उनके पोल्ट्री फार्म का कारोबार शुरू किया, लेकिन इसमें नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने शराब बेचना शुरू कर दिया। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, बढ़ते अपराध का मांगा जवाब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी को सीएम नीतीश कुमार को ईमेल से भेजी है, जिसमें उन्होंने पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जवाब मांगा है। मायके से रुपए नहीं मांगने पर पति को आया गुस्सा, पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या। नालंदा जिले के सोहरसाय थाना क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले में मामूली बात पर ससुराल वालों ने नव विवाहिता की जान ले ली। मृतिका विनोद कुमार की पत्नी मोनी देवी बताई जा रही है। नरूसराय थाना इलाके के मथुरापुर निवासी मृतिका के भाई राजू कुमार ने बताया कि 2011 में उसकी बहन की शादी हुई थी, जिसके बाद से उसे ससुराल पक्ष से प्रताड़ित किया जाता था। पार्टी से अलग तेजस्वी यादव की सोच, पहले फ्रंटलाइनर्स को लगाए जाएंगे, ठीक है फिर हमारी बारी। एक तरफ राजद के कई नेता कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और पहले केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को टीका लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता तेजस्वी यादव की सोच उनसे अलग नजर आती है। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि पहले फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाया जाएगा, हम उसके बाद टीका लगवाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे पप्पू यादव, कहा किसानों के लिए बने गैर राजनीतिक दलों का संगठन। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल ओबरा प्रखंड स्थित मझिंतवा खेल मैदान में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव किसान मजदूर रोजगार सभा में पहुंचे।
इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के किसान आज बिचौलिए के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया, फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052।